इलॉन मस्क की ब्रेन इम्प्लांट कंपनी न्यूरालिंक ने 21वीं सदी का सबसे कंट्रोवर्शियल मेडिकल एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है, जो साइंस फिक्शन को रियल वर्ल्ड में ला रहा है। उस समय में जब न्यूरालिंक लगभग 7 साल पहले शुरू हुआ था, तब यही लग रहा था कि ये पूरी तरह से एक टेक्नोलॉजिकल फैंटेसी है, लेकिन 2024 में न्यूरालिंक ने इसे एक हकीकत में बदल दिया है। क्या न्यूरालिंक वास्तव में एक सुपर ह्यूमन साइबॉर्ग बना रहा है? न्यूरालिंक के ह्यूमन ट्रायल से साइंटिस्ट क्या सीखेंगे? फ्यूचर में हम न्यूरालिंक से क्या क्या अचीव कर सकते हैं और क्यों कुछ वैज्ञानिक न्यूरालिंक को लेकर चिंतित हैं? आज के इस वीडियो में इन सभी बातों का हम पता लगाएंगे, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंफोसिस चैनल में। न्यूरालिंक को सितंबर 2023 में अपने बीसीआई चिप के पहली क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल्स के लिए लोगों की भर्ती शुरू करने की अप्रूवल मिली। 28 जनवरी 2024 को पहला ह्यूमन ट्रायल किया गया। पेशेंट जीरो में टोटल 64 वायर्स को सीधे उनके सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टिश्यू में इम्प्लांट किया गया था। प्रत्येक वायर्स में 16 माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोड सेंसर्स थे। फिर इंसिशन को सील करने से पहले उनके स्कल के अंदर बैटरी से चलने वाला एक बहुत छोटा कंप्यूटर डिवाइस लगाया गया और किसी जीवित इंसान के अंदर पहली बार N1 चिप को चालू किया गया। इलॉन मस्क ने कंफर्म की है कि पेशेंट जीरो ना केवल सफलतापूर्वक प्रोसीजर से गुजरा, बल्कि वो अच्छे स्वास्थ्य में हैं और अच्छे से रिकवरी कर रहे हैं। मस्क ने यह भी मेंशन किया कि न्यूरालिंक डिवाइस ने ऑलरेडी न्यूरॉन स्पाइक्स का पता लगाना भी शुरू कर दिया है। तो अब क्योंकि पहला ह्यूमन ट्रायल हो चुका है, तो शायद आप ये जानना चाहोगे कि इसका रिजल्ट क्या रहा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमको ये समझना है कि BCI क्या है और ये काम कैसे करता है। BCI, जिसका मतलब है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये एक ऐसा डिवाइस है जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन का पाथवे बनाता है। उनके सेंसर ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर या रोबोटिक लिम्ब जैसे किसी एक्सटर्नल सोर्स पर रिले करते हैं, जो एसेंशियली किसी व्यक्ति को अपने थॉट्स को एक्शन में बदलने देता है। इस ब्रेन चिप को या तो एक वियरेबल डिवाइस की तरह खोपड़ी पर पहना जा सकता है, या सर्जरी के माध्यम से स्कैल्प के नीचे रखा जा सकता है, या सीधे ब्रेन टिश्यू में इम्प्लांट किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट ये है कि चिप ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क के जितना करीब होगी, ये उतना ही क्लियर और अधिक डिटेल्ड सिग्नल्स को इंटरप्रेट कर सकती है। तो अब BCI काम कैसे करता है? जब हम कोई डिसीजन लेते हैं या डिसीजन लेने के बारे में सोचते भी हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भेजता है। ये सिग्नल्स ब्रेन सेल्स के बीच टाइनी गैप्स में होते हैं, जिन्हें सिनेप्सिस कहते हैं। BCI इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए इन सिग्नल्स के पास रखे गए इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। फिर पता लगाए गए सिग्नल्स को ट्रांसलेशन के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भेजा जाता है। इस प्रोसेस को न्यूरल डिकोडिंग कहा जाता है। फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस कॉम्प्लेक्स ब्रेन एक्टिविटी को समझने योग्य कमांड्स में बदलने में मदद करते हैं। BCI दो टाइप के होते हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव BCI को ब्रेन टिश्यू में सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। दूसरी और नॉन इन्वेजिव BCI स्कैल्प पर पहने जाने वाले इलेक्ट्रिकल सेंसर वाले डिवाइसेस को यूज करते हैं। ये वीक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये सीधे ब्रेन से जुड़े नहीं होते हैं। सो आई होप अब आप जान गए होंगे कि BCI कैसे वर्क करता है। तो अब हम न्यूरालिंक के BCI के बारे में जान लेते हैं। N1 इम्प्लांट के नाम से जाने जाने वाला न्यूरालिंक का ये डिवाइस पूरी तरह से इम्प्लांटेबल और कॉस्मेटिकली इनविजिबल है, जिसे कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। N1 इम्प्लांट, जो लगभग एक सिक्के के साइज का है, इसे शरीर के अंदर सुरक्षित रखने के लिए एक बायोकंपैटिबल केसिंग में कसकर सील किया गया है। इसको पावर देने के लिए एक छोटी बैटरी का यूज किया गया है, जो एक कॉम्पैक्ट इंडक्टिव चार्जर के जरिए बाहर से वायरलेस तरीके से चार्ज हो जाती है, जिससे इसे कहीं से भी कन्वीनियंटली यूज किया जा सकता है। स्पेशलाइज्ड चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन से सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं और उन्हें वायरलेस तरीके से न्यूरालिंक एप्लीकेशन में भेजते हैं, जो उन्हें एक्शन में कन्वर्ट करता है। N1 इम्प्लांट 64 थ्रेड्स में फैले 1024 इलेक्ट्रोड्स को यूज करके न्यूरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ये थ्रेड्स अल्ट्रा थिन और हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि इम्प्लांटेशन के दौरान डैमेज को मिनिमाइज कर सकें। ये थ्रेड्स इतने महीन होते हैं कि उन्हें इंसान के हाथों से नहीं डाला जा सकता, इसलिए एक सर्जिकल रोबोट के द्वारा इन्हें डाला जाता है, जिसमें ह्यूमन हेयर से भी पतली सुई
थ्रेड्स को पकड़ने, डालने और ब्रेन में रिलीज करने का नाजुक काम करती है। कैमरे और सेंसर से लैस ये रोबोट को इन थ्रेड्स को रिलायबली और एफिशिएंटली उसी जगह डालने के लिए डिजाइन किया गया है जहां उन्हें होना चाहिए। सो एंड ऑफ द डे, ये सारे प्रोसीजर्स हम आखिर किस लिए कर रहे हैं और BCI की जरूरत क्यों है? अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो BCI का नियर टर्म गोल उन लोगों को क्षमताएं वापस देना है जिन्होंने उन्हें चोट या बीमारी के कारण खो दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में BCI में ब्रेन फंक्शन का एक एडिशनल लेवल बनाकर ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की पोटेंशियल है, ऑलमोस्ट एक सुपर पावर की तरह। इससे हमारे सोचने और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, टेलीपैथी न्यूरालिंक का एक पहला एप्लीकेशन है जो यूजर्स को केवल अपने थॉट से कंप्यूटर या स्मार्टफोन या उससे जुड़े किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने में कैपेबल बनाएगी। यहां मैं आपको एक्नॉलेज कर दूं कि न्यूरालिंक ने सिर्फ एक सुपर ह्यूमन साइबॉर्ग नहीं बनाया है, इनफैक्ट पेशेंट जीरो और न्यूरालिंक के बाकी के सभी इनिशियल यूजर्स एक्सट्रीम फिजिकल डिसेबिलिटीज या फुल बॉडी पैरालिसिस से पीड़ित लोग हैं। इसलिए न्यूरालिंक के लिए इस पहले क्लिनिकल ट्रायल का उद्देश्य उन लोगों को कुछ लेवल की ऑटोनोमी बहाल करने में मदद करना है जिनके पास सबसे कम है। न्यूरालिंक ने जो इनिशियल एप्लीकेशन डेमोंस्ट्रेट किया है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट्स के बारे में सोचकर टेलीपैथिक टाइपिंग और कर्सर कंट्रोल है। न्यूरालिंक यूजर्स को मैसेज लिखने, एप्लीकेशन खोलने, वेब ब्राउज करने या वीडियो गेम खेलने और यहां तक कि सभी IoT एनेबल्ड डिवाइसेस को कंट्रोल करने, जैसे कि अपने AC का टेम्परेचर बदलना, लाइट्स को ऑन या ऑफ करना, TV पर चैनल बदलना या दरवाजा बंद करना, इन सब कामों को बिना हिले डुले या बोले भी उनसे किया जा सकता है। ये सब कुछ कंपनी के मंकी एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी कई सालों से डेमोंस्ट्रेट किया जा चुका है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि न्यूरालिंक का पेशेंट अभी यही कर रहा होगा। न्यूरालिंक ब्लाइंडसाइट पर भी काम कर रहा है जो एक दूसरा एप्लीकेशन है। ब्लाइंडसाइट एप्लीकेशन का उद्देश्य टेक्नोलॉजी को यूज करके ब्लाइंड पीपल को फिर से देखने में मदद करना है। यहां आइडिया ये है कि इम्प्लांटेड N1 डिवाइस का उपयोग कैमरे से सीधे ब्रेन तक डिजिटल इमेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि टेलीपैथी में न्यूरालिंक डिवाइस एक ट्रांसमीटर के रूप में काम करता है जहां ये ब्रेन से सिग्नल उठाता है, उन्हें डिकोड करके पास के कंप्यूटर या डिवाइस पर भेजता है। अब इस प्रोसेस को उलटने की कल्पना करें, ब्रेन द्वारा सिग्नल भेजने के बजाय एक डिवाइस न्यूरालिंक इम्प्लांट के माध्यम से ब्रेन में सिग्नल का एक विजुअल परसेप्शन बनाने के लिए ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर सकता है। यहां तक कि कोई व्यक्ति जिसने पहले कभी नहीं देखा है वो पोटेंशियली अपने आसपास की दुनिया को विजुअलाइज कर सकता है, हालांकि इमेज क्वालिटी 1970s के एक सिंपल पिक्सेलेटेड वीडियो गेम की तरह होगी। लेकिन समय के साथ मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से इस डिजिटल ब्रेन विजन में तेजी से सुधार हो सकता है। BCI से न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को भी ट्रीट कर सकते हैं। न्यूरालिंक ने अपने V0.9 चिप का विवरण दिया जिसका उद्देश्य विभिन्न बीमारियों को ठीक करना भी है, जिसमें ALS, सेरिब्रल पाल्सी, ब्रेनस्टेम स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफिस या पेरिफेरल न्यूरोपैथीज वाले मरीजों को BCI से लाभ हो सकता है। BCI की मदद से रोबोटिक लिम्स और व्हीलचेयर्स को कंट्रोल करना या मोबिलिटी एंड मोटर फंक्शंस को रिस्टोर किया जा सकता है। BCI ब्रेन को रियल टाइम फीडबैक देते हैं जिससे न्यूरल पाथवेज को फिर से जोड़ने और पैरालाइज्ड या विकलांग व्यक्तियों के लिए मूवमेंट्स को रिस्टोर करने में मदद मिल सकती है। अधिक गंभीर मामले में रोबोटिक डिवाइसेस को शामिल किया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन से गुजरने के बाद पेशेंट्स अपने थॉट से सीधे एक्सोस्केलेटन और रोबोटिक लिम्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन चिप्स और वियरेबल डिवाइसेस का उपयोग कर सकते हैं। BCI एक दिन बाइपोलर डिसऑर्डर, OCD, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी साइकेट्रिक कंडीशंस को कम करने में सक्षम हो सकता है। न्यूरोफीडबैक टेक्निक्स को यूज करके वे ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज में टारगेटेड इलेक्ट्रिकल सिमुलेशंस डिलीवर करके बर्नआउट और फटिक जैसी स्थितियों को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। BCI का एक और एप्लीकेशन है हैंड्स फ्री ड्रोन्स। डिफेंस डिपार्टमेंट ने मिलिट्री यूज के लिए हैंड्स फ्री ड्रोन्स डेवलप करने के लिए रिसर्च को फंड किया है जिससे इस अनमैंड एरियल व्हीकल्स के झुंडों को टेलीपैथिक रूप से कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि अभी भी हम ब्रेन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। BCI हमें अपने थॉट्स को समझने और उनके मीनिंग्स को डिकोड करने का सीधा तरीका दे रहे हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हमें यह जानने में मदद कर सकता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है।
न्यूरालिंक को उसकी ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है, लेकिन ये उस बड़ी खोज का एक हिस्सा है जिस पर वैज्ञानिक सालों से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस रेस में न्यूरालिंक अकेले दौड़ रहा है, बल्कि न्यूरालिंक के साथ कॉम्पीट करने के लिए करंटली कई सारी कंपनियां हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये $1 trillion का एक बड़ा इंडस्ट्री बनने जा रहा है। हम कुछ ही देर में उन बाकी के कंपनीज की प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि BCI की कॉन्सेप्ट की आखिर शुरुआत कैसे हुई। BCI का इतिहास एक जर्मन साइकेट्रिस्ट हैंस बर्जर से शुरू होता है, जिन्होंने ह्यूमन ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की खोज की और इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी यानी EEG को डेवलप किया। 1924 में बर्जर ने पहली बार EEG को यूज करके ह्यूमन ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया और विभिन्न प्रकार के ब्रेन वेव्स की पहचान की। BCI की पहली रिसर्च 1970 के दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जैक्स विडाल के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने BCI शब्द गाढ़ा और इस टॉपिक पर फर्स्ट पीयर रिव्यूड पेपर्स पब्लिश किया। विडाल को BCI का इन्वेंटर माना जाता है। बाद में इस फील्ड में कई प्रमुख रिसर्च सक्सेसेस मिली, जैसे फिलिप कैनेडी और उनके टीम ने बंदरों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए, जिससे पहला इंटरकॉर्टिकल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तैयार हुआ। 1990s में चूहों पर इनिशियल स्टडीज के बाद ब्राजीलियन साइंटिस्ट मिगुएल निकोलेलिस और उनके कलीग्स ने BCI डेवलप किया, जिसमें ऑल मंकीज के ब्रेन एक्टिविटी को डिकोड किया गया और डिवाइसेस को यूज करके रोबोटिक आर्म्स में बंदर की मूवमेंट्स को रिप्रोड्यूस किया गया। 1999 में यांग डैन और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बिल्लियों द्वारा देखी गई इमेजेस को फिर से बनाने के लिए न्यूरल सिग्नल्स को डिकोड किया। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि BCI में रिसर्च पिछले 50 सालों से हो रहा है, बात यह है कि इलॉन मस्क के कारण न्यूरालिंक को पब्लिसिटी मिलती है और यही कारण है कि ये अब ट्रेंडिंग टॉपिक में है। और अगर हम बात करें कि BCI फील्ड में प्रेजेंटली न्यूरालिंक के अलावा और कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, तो सिंक्रॉन लिस्ट पर जरूर आगे है, और इसका मेन रीजन है कि सिंक्रॉन बिल गेट्स और जेफ बेजोस द्वारा फंडेड है। सिंक्रॉन न्यूरालिंक की कंपैरिजन में ब्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए लेस इन्वेजिव मेथड यूज कर रहा है। स्कल के थ्रू जाने के बजाय वेस्टर्न रोड नामक एक प्रोसीजर को यूज करते हैं, जहां एक वायर को ब्लड वेसल में डाला जाता है। ये वायर ब्रेन तक पहुंचने के लिए एक हाईवे की तरह काम करता है। वहां पहुंचने पर एक मेश जिसमें 16 इलेक्ट्रोड सेंसर्स हैं, वो न्यूरल एक्टिविटी का पता लगाता है और उसे पेशेंट के चेस्ट में मौजूद एक डिवाइस तक पहुंचाता है, जो रियल टाइम में थॉट्स को कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर क्लिक्स और कीस्ट्रोक्स में ट्रांसलेट करता है। इसको न्यूरालिंक से कंपेयर करने पर, जहां 16 इलेक्ट्रोड्स वाले 64 वायर्स को सीधे ब्रेन में डाला जाता है, उसके कंपैरिजन में सिंक्रॉन कम कॉम्प्लेक्स लगता है। और कमाल की बात है कि सिंक्रॉन भी टेलीपैथिक कंट्रोल पाने में सिमिलर रिजल्ट अचीव कर लेता है। सिंक्रॉन को 2021 में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए USFDA से मंजूरी मिली। उन्होंने पहले ही 10 पेशेंट्स के साथ ह्यूमन ट्रायल्स पूरा कर लिया है। एक और BCI स्टार्टअप न्यूरेबल्स ने हेडफोन के रूप में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाया है, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ब्रेन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। N10, जो एक BCI-enhanced वेरिएबल है, वो दिन भर में यूजर्स के पीक फोकस पीरियड्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एडवांस्ड डेटा एनालिसिस और सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स को यूज करती है। ये वेरिएबल नोटिफिकेशंस को ऑटोम्यूट करता है, नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिवेट करता है और D&D को चालू करता है। ये भी ट्रैक करता है कि डिफरेंट सॉन्ग्स और जॉनरास यूजर के फोकस को कैसे इम्पैक्ट करती है, फिर पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट को रिकमेंड करती है और ब्रेक लेने का सुझाव देती है। एक और कंपनी है प्रिसिशन न्यूरोसाइंस, इन्होंने इलेक्ट्रोड पैक्ड फिल्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म सर्जिकली इम्प्लांटेड ब्रेन चिप को यूज करते हैं, जो मिनिमली इन्वेजिव और फुल्ली रिवर्सिबल है। लेयर 7 कॉर्टिकल इंटरफेस माइक्रो इलेक्ट्रोड्स की एक पतली फिल्म है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर है और ह्यूमन हेयर से 5 गुना पतला है, जो किसी भी टिश्यू को नुकसान पहुंचाए बिना स्कल के ठीक नीचे ब्रेन के कॉर्टेक्स के साथ जुड़ जाता है। प्रिसिशन की टेक्नोलॉजी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज के तरीके के रूप में स्मॉल स्केल रिसर्च लैब से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज तक BCI को मेनस्ट्रीम में लाना चाहती है। जून 2023 में प्रिसिशन ने अपने पहले इन ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी को पूरा होने की घोषणा की। इसी तरह BCI के फील्ड में और भी कई सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं एक और कंपनी को मेंशन जरूर करना चाहूंगा, जो पिछले 20 सालों से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है और 2004 से
ह्यूमंस में अपने डिवाइसेस को टेस्ट कर रही है। इस कंपनी का नाम है ब्लैकरॉक न्यूरोटेक। उनके प्रोडक्ट्स ने पेशेंट्स को अपने अंगों में मूवमेंट्स हासिल करने और केवल अपने थॉट्स को यूज करके डिजिटल डिवाइस को कंट्रोल करने में मदद की है। उनका लेटेस्ट प्रोजेक्ट न्यूरालेस एक पतला मेश पैच है जिसे ब्रेन के कर्व्स को फिट करने और 10,000 चैनलों से न्यूरल एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो हमें एंटायर ब्रेन से डेटा कैप्चर करने के करीब लाता है। ब्लैकरॉक न्यूरोटेक इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के अर्ली लीडर्स में से एक है। उनके अर्ली ट्रायल्स में स्कल के थ्रू ब्रेन में डाले गए स्टिफ इलेक्ट्रोड पिंस का उपयोग शामिल है। हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक के कंपैरिजन में आउटडेटेड लग सकती है, लेकिन इसने लोगों को रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करने और पैरालाइज्ड व्यक्ति को फिर से चलने में सक्षम बनाने जैसी उल्लेखनीय उपलब्धियां पहले से ही हासिल कर ली है। यदि ब्लैकरॉक इम्प्लांट 1 मिलीमीटर डीप में जाने वाले 100 इलेक्ट्रोड्स के साथ चमत्कार कर सकती है, तो सोचिए न्यूरालिंक के 2 मिलीमीटर डीप में जाने वाले 1000 इलेक्ट्रोड्स के साथ क्या क्या हासिल किया जा सकता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीसीआई की दुनिया में काफी सारी कंपनीज काम कर रही हैं और इस पर पिछले 50 सालों से रिसर्च हो रही है और ह्यूमन ट्रायल्स में इसने अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो फिर ये सवाल आता है कि अभी तक वाइडली अवेलेबल क्यों नहीं है। इसका एक रीजन है कि इजीली रेगुलेटरी अप्रूवल ना मिलना और दूसरा फंडिंग्स की कमी। हालांकि अब रिसेंटली कुछ सालों में कई कंपनीज इसकी पोटेंशियल को जानकर और बढ़ते टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण बीसीआई पर इन्वेस्ट कर रही हैं। और जैसा कि न्यूरालिंक को हाल ही में ह्यूमन ट्रायल का अप्रूवल मिला है, इससे हमें उम्मीद है कि इलॉन मस्क जैसे विजनरी पर्सन इस टेक्नोलॉजी को जल्द से एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक न्यूरालिंक को लेकर चिंतित जरूर हैं। अब जबकि ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, वॉलंटियर की सुरक्षा और भलाई एक अहम सवाल है। परीक्षण को USFDA द्वारा अप्रूव किया गया था, जिसने न्यूरालिंक के पहले के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स चिंतित हैं क्योंकि परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल्स वेबसाइट पर लिस्टेड नहीं है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक डेटाबेस है। परीक्षण के प्रोटोकॉल को जाने बिना ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये कितना सुरक्षित है। ट्रांसपेरेंसी उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनकी मदद करने के लिए बीसीआई का इरादा है, और ये विशेष रूप से उन पेशेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होने के लिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूरालिंक की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसका लक्ष्य करंट डिवाइसेस की कैपेबिलिटीज को पार करते हुए ब्रेन और कंप्यूटर के बीच एक हाई बैंडविड्थ कनेक्शन प्रोवाइड करना है। ऑनगोइंग एडवांसमेंट्स के साथ न्यूरालिंक में ह्यूमन ब्रेन के साथ जो संभव लगता है उसे फिर से रिडिफाइन करने की क्षमता है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।